पैसेंजर्स इस ट्रेन को चढ़ने का कोशिश कर रहे थे, जिससे दो लोगों को चोट आ गई। इन दोनों पैसेंजर को रेलवे के स्टाफ जो स्टेशन पे मौजूद थे, उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से भाभा हॉस्पिटल उनको एडमिट करवा दिया है। वहाँ इस हॉस्पिटल में उनका समुचित ट्रीटमेंट जारी है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वेस्टर्न रेलवे जब हॉलिडे सीज़न होता है उस दौरान हम ये कोशिश करते हैं कि शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 2 से 3 घंटे पहले ही हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और इसी के तहत इस ट्रेन को भी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे पहले जो है प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली कुछ पैसेंजर्स चलती हुई हालत में ही इस ट्रेन पर उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, जिससे ये उनको इंजरी हो गई। सबसे ज़्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है, बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया, आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है। प्रशासन रेलवे मंत्री की कोई जवाबदेही है कि नहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये मुंबई और महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रभारी बनकर आए हैं, यहाँ डेरा डाले हुए हैं, चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं, लेकिन आप जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी पर कैसे अच्छी जिंदगी वो जिए, इस पर उनको कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे मंत्रियों को जिनको रेल मंत्री भी कहा जाता है, तब भी इनको सबक नहीं मिल रही है। आए दिन हम सुन रहे हैं कि रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं मालगाड़ी से ट्रेन टकरा जा रही है, कहीं ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, लोग घायल हो जा रहे हैं, मृत हो जा रहे हैं, लेकिन रेलवे मंत्री जरा सा भी राजनीति छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में डटे हुए हैं, लेकिन बांद्रा में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और वो सुध नहीं ले रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अब कौन बचाएगा हमारे नागरिकों को?